किसान नेता एवं मंडी के कारोबारी अभय सैनी ने कहा कि किसानों की समस्याओं के समाधान की मांग उठाई है। साथ ही कहा कि काश्तकारों को पूरा पानी देने के लिए ईस्टर्न कैनाल को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाए, साथ ही फसल की उचित कीमत दी जानी चाहिए। सैनी के अनुसार केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भाजपा का राज लाने की स्थिति में इस परियोजना के लिए 46,000 करोड़ रुपए देने का बयान दिया है, लेकिन मतदाताओं को इस तरह का लालच देना उचित नहीं है। आपका बहुत बहुत आभार, आपके टीवी चैनल का आभार जो किसानों की बात आप सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। राजस्थान के ERCP परियोजना से हमारा एरिया जो पूर्वी राजस्थान है जो पानी से त्रायमान है, किसान के पास पानी नहीं है, उसकी आपूर्ति के लिए एक बड़ी योजना है जिसमें किसानों की सरकार से मांग है और राजस्थान सरकार ने भी भारत सरकार से निवेदन किया है कि इसे अगर आप राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर देते हैं तो निश्चित ही इन जिलों को बहुत लाभ मिलेगा। देखो, सत्ता में आने के लिए आप प्रलोभन दे रहे हो या आप इस बात को कह रहे हो कि आप ऐसा कर दोगे तो हम ऐसा करेंगे, ये राजनीतिक दृष्टिकोण से इससे ज़्यादा निचला स्तर नहीं हो सकता। आज किसान को आप लालच दे रहे हो कि आप ऐसा करोगे तो हम ऐसा करेंगे। किसान हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है और जो रीढ़ की हड्डी के साथ नहीं चलेगा वो कभी भी सीधा खड़ा नहीं होगा। अब समय आ गया है जब किसान अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहता है। ERCP योजना पर जो सरकार काम करेगी किसान उसके साथ खड़ा होगा, क्योंकि किसान का बेटा भी उस तरह जीवन जीना चाहता है जिस तरह से अन्य लोगों के बच्चे जीवन जी रहे हैं। किसान के पास संसाधनों का अभाव है, पानी है नहीं, खेती में पैदावार है नहीं। राजस्थान सरकार का धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने योजना को आगे बढ़ाने का अपना पूरा प्रयास किया, और मैं भारत सरकार के प्रधानमंत्री और भारत सरकार में हमारे यहाँ से नुमाइंदे, चाहे वो सांसद लोकसभा हो चाहे सांसद राज्यसभा हो, उनसे भी आग्रह करूंगा किसान के जनित के लिए आपको ERCP योजना के तहत आपको मजबूती से राजस्थान की आवाज रखनी चाहिए।